वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सऊदी अरब में ऐसा होता है कि विंडो एसी के अकेले उठाया जाता है या फिर स्प्लिट एसी को अकेले उठाया जाता है। कुछ हमारे दोस्तों का क्वेश्चन है, तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। क्या लोग कहते हैं कि क्या बहुत हार्ड वर्क होता है क्या सऊदी अरब में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार्ड वर्क बल्कि इंडिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे जगह पे स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करवाया जाता है और विंडो एसी को इंस्टॉल करवाया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं इसको लेकर के, छोटा सा वीडियो होने वाला, छोटा सा टॉपिक है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर विंडो एसी ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर हाँ अकेले उठाना होता है, लेकिन एक और टेक्नीशियन साथ में जाएगा। ऐसा नहीं है कि अकेले जाना है और वायर को अकेले खोल करके अकेले ही निकाल करके लाना है। कभी कभी विंडो एसी ऐसा होता है कि फंसा रहता है उसके चेचिस में, उसके हाउसिंग में फंसा रहता है, वो निकलता नहीं है जल्दी। तो एक आदमी के बस का नहीं है, ये एक टेक्नीशियन कभी भी नहीं निकाल सकता। तो वहाँ पर दो लोग जाते हैं, लेकिन उठाना अकेले ही पड़ता है, एक आदमी को उठाना पड़ता है, नीचे से नहीं। जैसे कि विंडो में दीवार में लगा होता है ना, उसी तरह से लगा हुआ है और बैक साइड में जाकर के कंधे पर उठा लेते हैं। जैसा कि अगर कोई भी ऐसा इमेज या फिर कोई वीडियो क्लिप आपको मिलता है, मुझे मिलता है, तो मैं इसमें लगा दूंगा वीडियो में कि किस तरह से उठाते हैं। तो बैक साइड में जाकर के धीरे से खींच करके यहाँ पर कंधे पर टांग लेते, ले जाकर के गाड़ी में रख देते हैं। बस इतना सा 2 मिनट का होता है, लेकिन उठाना अकेले ही पड़ता है, ऐसा होता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, स्प्लिट एसी को भी उठाना अकेले ही पड़ता है। तो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर है वही उठाना पड़ता है, विंडो स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है वो तो उठाने के लिए क्या हो, तो एक बच्चा भी उठा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठाना आउटडोर पड़ता है। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी में उठाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर लगा हुआ है वहीं पर आपको जा कर के रिपेयर करना है। कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कंप्रेसर चेंज करना हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, वो जा कर के वहीं साइड पर ही फिक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर विंडो एसी होता है या फिर स्प्लिट एसी होता है, अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो वर्कशॉप में क्या होता है कि वहाँ पर उठा करके वहाँ से लाया जाता है, वहाँ से उठा के लाया जाता है और वर्कशॉप में जा करके उसे रिपेयर करके फिर उसे जा करके वहीं पर रिप्लेस किया जाता है जहाँ से आपने अनइंस्टॉल किया है। वहाँ से अनइंस्टॉल करके फिर वहाँ से वापस से इंस्टॉल करेंगे, बस इतना सा प्रोसेस होता है। तो आउटडोर भी उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5 टन का 2 टन का कंप्रेसर कितना वजन होता है। तो लेकिन फिर भी एक टेक्नीशियन साथ में जाएगा, अकेले नहीं जाना होता है, ये ध्यान में रखने। उठाना अकेले ही पड़ता है, लेकिन एक आदमी सपोर्ट करता है वहाँ पे उठाने के लिए। उठाना कंधे पे तो अकेले ही लेना है, लेकिन एक आदमी वहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो ये कन्फ्यूजन निकाल दें कि वहाँ पर जाकर के मैं फंस जाऊँगा, इतना हार्ड मेहनत मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा तरीका होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर और कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या थोड़ा काम सीख करके हम सऊदी अरब जा सकते हैं या फिर गल्फ कंट्री में जा सकते हैं, बस आपको काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0% से आपने शुरू किया है और डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा आप नहीं जा सकते। उसके लिए आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 50% नॉलेज होना ही चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं गल्फ कंट्री में काम करने के लिए। एसी का, एयर कंडीशनर का या फिर रेफ्रिजरेटर का, एसी फ्रिज जो भी है, सब साथ में ही होता है। अगर जो भी इंडिया में अगर गल्फ कंट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए आपको कम से कम, तो आपको रेफ्रिज जो अगर एयर कंडीशनर का काम करता है उसे रेफ्रिजरेटर भी मालूम होता है, क्योंकि सारे सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होते हैं ना, सारे एक जैसे ही काम करते हैं। तो सबको पता होता है, अगर एयर कंडीशनर का काम करते हैं तो रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीजर, ये सब काम, तो वाटर कूलर, ये सब काम तो मालूम ही रहेगा, और हल्का फुल्का वायरिंग भी मालूम होना चाहिए। बस आप आसानी से जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कुछ और पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ इसको बताने के लिए। आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए।
गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए, और आपके पास अगर डिग्री है, चाहे आप ITI किए हैं या फिर डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, उसके साथ में ITI होना चाहिए, एक वो डिग्री होना चाहिए, उसका मार्कशीट होना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। किस तरह से जा सकते हैं, इसका भी एक तरीका होता है, आपको टेस्ट देना होता है। अगर आपके पास मार्कशीट डिग्री है तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं है तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर उसमें आप वही होता है, मार्क वही वहीं से निकलता है, अगर 50% के ऊपर आप रहते हैं तो आप बेझिझक आप जा सकते हैं। और देखिए इसमें पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में, इसमें भी छोटा सा हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। तो क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, कई वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं बता दूँ आपको कि जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं एयर कंडीशनर के अंदर, चाहे वो विंडो AC हो, स्प्लिट AC हो, कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है और कौन से स्पेयर पार्ट का क्या नाम है, ये जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जितने भी पाइप यूज किए जाते हैं 1/2, 3/8, 1/4, जितने भी पाइप हैं सारे पाइप के नाम आपको याद रखने हैं और उसकी पहचान होनी चाहिए आपके पास कि ये पाइप कौन से साइज़ का है, ये पाइप कौन से साइज़ का है। तो सारे पाइपों के साइज आपको पते होने चाहिए, और रेफ्रिजरेंट कौन सा रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज किया जाता है, कि वेट करके चार्ज किया जाता है, कैसे कितना चार्ज किया जाता है, कौन सा सिस्टम कितना एम्पियर लेता है, ये सब आपको बताना होता है वहाँ पर। और ब्रेजिंग करवाया जाता है एक पाइप का, एक पाइप का स्विगिंग करके दूसरी पाइप में आपको ब्रेजिंग करना होता है। ये सब आसान तरीका होता है, कोई भी ब्रेजिंग कर लेगा, ब्रेजिंग करना आसान होता है, बस इतना सा होता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।